नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो बिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। मैं विवेक दुबे। दोस्तों आज बात करूंगा न्यूमरोलॉजी। काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, काफी रुचि लेते हैं लोग इसमें और आसान भी है समझने में। और तो सबसे पहले आज काफी डिफरेंट टॉपिक है और आपको बता दूं न्यूमरोलॉजी पे पहले भी कुछ वीडियोज मैंने दिए हैं और काफी सारे इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल पोस्ट न्यूमरोलॉजी पे एस्ट्रोलॉजी पे आप मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे अगर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल पोस्ट, मोर देन 500 पोस्ट हैं जो कि सारे के सारे नॉलेजेबल पोस्ट एंड रील्स हैं। तो एक बार विजिट जरूर कीजिएगा अगर आपका एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है। तो उसी प्रकार से आज बात करूंगा न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। आप इसे अपने घर में लगाइएगा, आपके फ्रेंड्स पे बीच में इसको लगा के देखिएगा जो मैं आज बताने जा रहा हूँ। काफी अच्छा लगेगा, काफी रिजल्ट ओरिएंटेड है ये, मैंने देखा है। कुछ रिसर्च करने के बाद ही मैं आपको ये आपके सामने ये लेके आया हूँ। तो इस पर एक बार जरूर गौर कीजिएगा और इसको जरूर आपके और घर में आपके आस पड़ोस में जिनको आप जानते हैं अच्छे से, जिनकी लाइफ को देख रहे हैं अच्छे से, उन पर जरूर लगाइएगा। तो चीज क्या है दोस्तों, देखिए न्यूमरोलॉजी की बेसिक्स में यहाँ पे अब मैं आशा करता हूँ आपको पता होगा, तो उसके बारे में बात ज्यादा नहीं करूंगा। बट शॉर्ट में बता देता हूँ कि देखिए न्यूमरोलॉजी जब हम सीखते हैं इसमें दो तरह के नंबर होते हैं, जिसे हम साइकिक नंबर कहते हैं, डेस्टिनी नंबर कहते हैं, कुछ लोग इसे ड्राइवर या कंडक्टर कहते हैं, कुछ लोग इसे मूलांक या भाग्यांक कहते हैं। सब लोग अलग अलग शब्दों में इसे कहते हैं बट सबकी मीनिंग एक ही होती है। अब हम साधारण भाषा में मैं आपको सिंपली एक ही वर्ड यूज करके बताऊंगा जो कि ज्यादा लोगों को समझ में आता है, ड्राइवर या कंडक्टर। तो ड्राइवर नंबर क्या होता है दोस्तों, ड्राइवर नंबर आपकी जो बर्थ डेट होती है, फिर वो किसी महीने की किसी भी तारीख को जो डेट है उसी में से ड्राइवर नंबर निकल के आता है। ड्राइवर नंबर फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका जन्म 5 तारीख को किसी भी महीने के हुआ है तो आपका मूलांक, आपका ड्राइवर नंबर जो कह सकता हूं वो 5 होगा। उसी प्रकार से अगर आपका जन्म मान लो 15 तारीख को हुआ है तो आपको हमेशा याद रखिए ऐसे केस में दोनों को ऐड करना 5 + 1 = 6, हमेशा आपको सिंगल डिजिट पे आना है, ये ध्यान रखना है। तो ये जो नंबर है जो 6 आया ये आपका ड्राइवर नंबर हुआ, यानी कि मूलांक हुआ। उसी प्रकार से कंडक्टर नंबर क्या होता है, आपकी जो कंप्लीट बर्थ डेट होगी विथ मंथ एंड ईयर उसको प्लस के, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका जन्म आया हुआ है 15 अगस्त 1987, ये आपका बर्थ डेट है, कंप्लीट बर्थ डेट है, तो आप इसको पूरा प्लस करेंगे तो आपको एंड में जो निकल के आएगा वो नंबर आएगा 3 पूरा प्लस करने के बाद। तो हमेशा सिंगल डिजिट पे आना है ये याद रखिएगा। तो ये जो लास्ट में नंबर आएगा पूरा जो आपका बर्थ डेट है उसको प्लस करने के बाद, सम करने के बाद, वो जो सिंगल डिजिट आएगा वो आपका कंडक्टर नंबर होगा, जिसे लोग भाग्यांक कहते हैं या डेस्टिनी नंबर भी कहते हैं। सो अब इसी में एक बहुत बड़ी लॉजिक, बहुत बड़ी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है और बहुत ही लॉजिकली ये वर्क करती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। देखिए अक्सर जिनका ड्राइवर नंबर यानी मूलांक और कंडक्टर नंबर यानी भाग्यांक दोनों भी फ्रेंड होते हैं उनकी जीवन ज्यादा सफल और सक्सेस देखी जाती है। ज्यादातर लोग वही सक्सेस और उनकी जीवन काफी इजी, हमने सुना ना ये बहुत लकी है, इसका काम तो आसानी से हो जाता है, ही इज लकी मैन, ही इज लकी गर्ल, व्हाटएवर, आपने ऐसा सुना होगा सोसाइटी में अक्सर। उनका जो मूलांक होगा, उनका जो ड्राइवर नंबर या कंडक्टर नंबर जो है, आप उनको देखेंगे वो जो नंबर्स उनके जीवन में है वो फ्रेंड है। फॉर एग्जाम्पल किसी का मान लेते हैं ड्राइवर नंबर जो है वो 3 है और कंडक्टर नंबर जो है वो 1 है, तो 3 और 1 ये दोनों आपस में फ्रेंड होते हैं, ये फ्रेंड नंबर्स होते हैं। दोस्तों जिनको नहीं पता हो फ्रेंड नंबर कौन से होते हैं, कौन से आपस में न्यूट्रल होते हैं, कौन से आपस में एनिमी या शत्रु होते हैं, अगर ये भी नहीं पता है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाइए, वहां पे भी आपको इससे रिलेटेड पोस्ट मिल जाएगी और ये आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, काफी जगह आपको ये इजीली मिल जाएगा कि कौन से नंबर किनके शत्रु होते हैं, किनके मित्र होते हैं, किनके न्यूट्रल होते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरे साथ अगर एस्ट्रोलॉजी कोर्स या फिर न्यूमरोलॉजी कोर्स करना चाहते हैं उसके लिए भी आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए याद रखिए अगर आपका ड्राइवर नंबर कंडक्टर नंबर आपस में फ्रेंड हैं, मित्र हैं, तो ये आपके लाइफ की सक्सेस में बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। आप अक्सर उन्हीं लोगों को देखेंगे, सक्सेस रेशियो उनका लाइफ में हमेशा
बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा होता है। अब जिनके ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर आपस में एनिमी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी का ड्राइवर नंबर जो है वो आ रहा है 6 और कंडक्टर नंबर जो है वो आ रहा है 3, 6 और 3 आपस में शत्रु माने जाते हैं नंबरोलॉजी में। सो ये जो इस केस में इनकी जो लाइफ होगी काफी डिफिकल्ट होगी, काफी इनका जो सक्सेस रेशियो होगा वो काफी अंडररेटेड देखने मिलेगा जीवन में। इन्हीं लोगों के मतलब यार मैं बहुत मेहनत करता हूँ बट रिजल्ट उतना नहीं मिल पाता है जीवन में। इनके पास स्किल्स भी बहुत ज्यादा होंगी बट फिर भी इनका जो सक्सेस होगा वो कहीं ना कहीं अमूमन काफी कम होगा एज कंपेयर टू जिनके पास इनसे कम नॉलेज है, जो जो इनसे कम बेहतर है जीवन में। आप देख लीजिएगा, इसको लगा के जरूर देखिएगा। अब ये आप समझ गए होंगे, ड्राइवर और कंडक्टर नंबर आपस में फ्रेंड होंगे तो अच्छी बात है, अगर शत्रु है तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैड लक लेके आते हैं। अब इससे भी आगे एक स्टेप आगे लेके जाता हूं, कुछ नंबर्स दोस्तों एज अ डेस्टिनी नंबर अच्छे होते हैं, कुछ नंबर एज अ ड्राइवर नंबर अच्छे, यानी कहने का मतलब है कुछ नंबर एज अ कंडक्टर बहुत अच्छे माने जाते हैं, कुछ नंबर एज अ ड्राइवर बहुत अच्छे माने जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों सबसे पहले ड्राइवर नंबर समझाता हूं। ड्राइवर नंबर, सपोज आपका ड्राइवर नंबर, अगर आपका ड्राइवर नंबर 2 है, अगर आपका ड्राइवर नंबर 3 है, अगर आपका ड्राइवर नंबर 4 है, अगर आपका ड्राइवर नंबर 8 है, अगर आपका ड्राइवर नंबर 6 है, ये पांच मैंने जो बताया आपको इसे ध्यान में रखिएगा, 2, 3, 4, 6 और 8, ये अगर आपके ड्राइवर नंबर है तो ये काफी लकी हैं, काफी सपोर्टिव रहेंगे हमेशा लाइफ में। उसी प्रकार से अगर आपके कंडक्टर नंबर 1, अगर आपका कंडक्टर नंबर 1 है, अगर आपका कंडक्टर नंबर 5 है, अगर आपका कंडक्टर नंबर 7 है, अगर आपका कंडक्टर नंबर 9 है, ये चार यहां से कंडक्टर नंबर में चार मैंने बताए हैं आपको जो कि है 1, 5, 7, 9, ये अगर आपके कंडक्टर नंबर है ये हमेशा आपके लिए लकी, आपके लिए सपोर्टिव होंगे चाहे जीवन में। अगर इसका उल्टा हो गया, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 4 नंबर आपका डेस्टिनी नंबर बन गया और 9 नंबर आपका साइकिक नंबर ड्राइवर नंबर बन गया, यानी कि ड्राइवर नंबर जो है वो 9 है और डेस्टिनी नंबर जो कि 4 है, जो कि मैंने कहा कि अच्छे नहीं होते। अगर ऐसा भी है, ये भी कहीं ना कहीं हार्डशिप लेके आता है, हार्ड लक लेके आता है जीवन। तो आशा करता हूँ इस चीज को आप अपने आसपास के लोगों पे जरूर लगाइएगा, आपके घर में, आपके दोस्तों में, आप देखेंगे काफी ब्यूटीफुली ये वर्क करता है और काफी आसानी से आप समझ सकते हो कि किनकी लाइफ कितनी आसान, कितनी बेहतर, कितनी सक्सेस रेशियो किनका ज्यादा अच्छा होगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।